की भूमि का एक इंच टुकड़ा भी और जाने नहीं देंगे अगर कश्मीर को लेने की कोई बात करता है। अलगाववादी हमें वहाँ पर आने से रोकते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो उनके जो उनके इरादे हैं वो नाकामयाब होंगे, ये आज के युवा ने बताया है। जो हज़ारों की संख्या में पठानकोट के पुल से अंदर जाने के लिए तैयार थे, 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया, बाकियों की गिरफ्तारी करने से मना कर दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये केवल यात्रा का अंत नहीं हुआ, ये केवल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि यहाँ से अभी शुरुआत हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे भी ऐसे करोगे? देश को एक रखने के लिए और अलगाववादी ताकतों के साथ लड़ने के लिए आज जिस तरह से युवाओं ने जोश दिखाया है, निश्चित तौर पर ये प्रेरित करती हैं कि भविष्य में भी ऐसी और योजनाएं की जाएंगी, चाहे उसका मुख्य उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन उसमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा हो, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, युवा राष्ट्र है, और सबसे बड़ी ऊर्जा अगर देश में किसी की है तो युवाओं की है। ज़रूरत है उनको संगठित करने की और राष्ट्र निर्माण में लगाने की, वो हमने प्रयास किया है। बड़े उद्देश्य की प्राप्ति और क्या होगी? उद्देश्य यही था, कितनी बार पकड़ो, कि देश के युवाओं में राष्ट्र भावना को जागृत करना। और आज जिस तरह से हजारों लाखों युवा देश पर आज उसको तिरंगे के सम्मान के लिए आगे आए हैं, आज जो राष्ट्र भावना उनमें जागृत हुई है, ये जो मेरे भाई प्रदीप सिंह वघेला जो गुजरात के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोगी यहाँ पर खड़े हैं, अल्पेश जी, शशिकांत जी, हर्ष जी, ये सब लोग लाल चौक पर गए, 100 टुकड़ियां सेना की थी उसके बावजूद गए, तिरंगा लहराया। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देश भर में गिरफ्तारियां दी, 550 कार्यकर्ताओं के लगभग केवल जम्मू कश्मीर की सीमा पर गिरफ्तारियां दी। इससे पता चलता है देश में आपातकाल की स्थिति थी, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको दर्शाते हुए। और ये यात्रा जो इतनी सफलतापूर्वक रही, एक बीच में ऐसी घटना नहीं घटी जहाँ पर कोई कह सके कि हमने हिंसा भड़काई हो, इसलिए उद्देश्य प्राप्त हुआ, सफल हुई। इससे बड़ी सफलता और क्या है? 15 दिनों में 3000 किलोमीटर से ज़्यादा 12 राज्यों में जाए, और जहाँ पर हिंसा की उम्मीद की जाती है वहाँ पर कोई हिंसा ना हो, इससे बड़ा उद्देश्य आप इस देश में और क्या दे सकते हैं? वो हुआ ना, ये लोग जाकर आए लाल चौक में, देखिए कितने डंडे पड़े हैं, उसके बावजूद हमारे नेताओं को गालियाँ निकाल के डंडे मारने के बावजूद ये लोग लाल चौक पर गए। हमारे आरपी सिंह जी ने वहाँ पर श्रीनगर में तिरंगा फिराकर दिखाया। हमारे युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, भृगु बख्शी पात्रा हो गए, राजेश चौधरी हो गए, श्यंतम बसु हो गए, सुरेश बगासिया हो गए, मोहन रेड्डी हो गए, इन सब लोगों ने, मृगांक हमारे असम के अध्यक्ष हैं, ये सब लोग वहाँ पर गए। आगे भाजपा युवा की राह कैसी रहेगी? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर, 1993 के बाद अब 2011 में ही क्यों 17 साल हो गए? क्योंकि सरकार भी रही बीच में, क्योंकि उसके बाद अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है लगातार, तिरंगे को जलाया जाता है, तिरंगे का अपमान और ये देश नहीं सहेगा, आज युवाओं ने ठान ली है। और इसी में मन में प्रतिज्ञा लेते हुए हम लोग वहाँ गए थे, और वो करके दिखाया है, इस नपुंसक सरकार को हरा कर भी दिखाया, और आज देश के युवाओं ने जवाब दिया है, केवल अनुराग ठाकुर ने नहीं दिया, आज देश के युवा ने आगे बढ़कर तिरंगे का सम्मान किया है।